समझ में आया कि फोर लाइन किसको बोलते हैं, टू लाइन किसको बोलते हैं, सिक्स लाइन क्या होता है ना, कि तीन गाड़ी जाएगा तीन आएगा तो यानी सिक्स लाइन है, क्या है एकदम समझ में आया कि फोर लाइन किसको बोलते हैं, टू लाइन किसको बोलते हैं, सिक्स लाइन क्या होता है ना, कि तीन गाड़ी जाएगा तीन आएगा तो यानी सिक्स लाइन है, क्या है तो सिक्स लाइन होगा, एट लाइन होगा, चार गाड़ी जाएगा चार व्हीकल आएगा, है ना, पी एट लाइन हो गया, 16 लाइन 20 लाइन जितना लाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब सब ये सब क्या है ना, कोई हाईवे है कोई रोड है, अलग अलग है। चलिए तो एक हो गया पहले लाइन सिस्टम समझ में आया। और जब हम सर्वे भी करते हैं ना, तो सर्वे पहला सर्वे सेंटर लाइन का होगा, क्या होगा, पहले तो सेंटर लाइन का सर्वे होता है शुरुआत, फिर उसके बाद जब दूसरा सर्वे होगा तो सेंटर लेफ्ट राइट क्या होगा, फिर लेफ्ट राइट का सर्वे करते हैं, फिर जब वो सर्वे हो जाएगा तो फिर लाइन का सर्वे करते हैं, L1 L2 L3 L4 L5 जितना भी होता है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी सब प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अभी क्या है हमारा, एक हो गया ये तो लाइन सिस्टम, इसके बाद कैम्बर, क्या बोलते हैं कैम्बर, यानी अगर हम उसको कह सकते हैं टू स्लोप, दो स्लोप, ठीक है। एक स्लोप कोई भी अगर एक स्लोप है तो उसको स्लोप कहेंगे, लेकिन जब दो तरह का स्लोप बनेगा तो वो कैम्बर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कैम्बर, चैम्फर नहीं, बहुत सी जगह चैम्फर बोलते हैं, चैम्फर नहीं कैम्बर, है ना। कैम्बर का माने है कि इस तरह से रोड बनेगा, रोड कभी भी जो बनता है तो रोड ये होता है पीसीएल, ये होता है लेफ्ट और ये होता सिंगल लाइन है, अगर डबल लाइन हुआ तो राइट टू, है ना, बात वही है। तो जो स्लोप बनेगा सेंटर से लेफ्ट क्या बनेगा, स्लोप बनेगा रोड, जब हम गाड़ी चलाते हैं आप देखे होंगे रोड ऐसे उठे रहेगा, नहीं उठेगा तो पानी कहाँ जाएगा, जब पानी गिरेगा तो निकलना चाहिए, नाली में जाना चाहिए ना, तो फिर रोड में पानी जम जाएगा। अगर हम रोड को बराबर बना दें तो बहुत माइनर स्लोप होता है, माइनर माने 1.5%, के ना, इवन 1.5% टू 2.5%, के ना, लास्ट लास्ट 2%, तो 1% माने कोई ज्यादा स्लोप नहीं हो रहा, दिख समझ में नहीं आएगा कि स्लोप हुआ, आप भी जब निकालोगे तो रीडिंग आएगा 1.256, 1.258, 3 mm का बस स्लोप बनेगा, कि ना बनेगा, इनबेन 3 से 4 mm होगा, माइनर स्लोप देना है, नहीं तो फिर व्हीकल गाड़ी पलटी हो जाएगा ना, ज़्यादा स्लोप रहेगा तो गाड़ी की जर्किंग करेगा, क्या करेगा, इसीलिए बहुत माइनर स्लोप बनेगा। और सर्वे में एक रूल्स है या सिविल में एक रूल है, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं सिविल का खास करके, और रोड हाईवे ये सब कहीं भी 5% ज़्यादा स्लोप नहीं है, ना नहीं है, कोई भी चीज 5 से 7% बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा स्लोप परसेंट नहीं होता है, क्या नहीं होता है ना, ये नहीं कि 50% स्लोप बन रहा है, 20% स्लोप बन रहा है, इतना नहीं बनता, 5-7% हाईवे रोड में खास करके, ठीक है। तो यानी कि यहां से यहां तक जो स्लोप बनेगा -1.5% टू -2.5% हो सकता है, ये कंपनी और इंजीनियर बनाएगा ड्राइंग, वो ड्राइंग में सब लिखा रहेगा, आपको ड्राइंग में यही सब पढ़ना है, 2 2.5%। इस तिरछे लाइन को एक नाम और कहा जाता है इंक्लाइन, क्या बोला जाता है, इंक्लाइंड भी कहा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, तिरछा लाइन को क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड लेंथ, लेंथ माने लंबाई, इंक्लाइंड लेंथ भी कह सकते हैं, इंक्लाइंड सिर्फ बोलिए अभी फिलहाल, इसको एक चीज और कहा जाता है ग्रेडियंट, है ना। जो पुराने इंजीनियर हैं, जो मतलब इंजीनियर बीटेक कॉलेज में पढ़ के आए फिर वो नौकरी कर रहे हैं, तो वो कंपनी में जब ड्राइंग बनाते हैं तो वो ग्रेडियंट परसेंट दे देते हैं या ग्रेडियंट रेशियो दे देते हैं, क्या दे देते हैं, तो रेशियो मिल जाएगा आपको, रेशियो के हिसाब से फिर सब निकालना पड़ेगा, हाँ, तो वो ग्रेडियंट रेशियो मिल जाएगा कि भाई नीचे का रेशियो 2.1 है, तो फिर बाकी आगे का हम लोग करेंगे सर्वे में काम,
ठीक है, तो उसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप को क्या कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। तीन वर्ड आपके सामने आएगा, अलग अलग इंजीनियर अलग अलग दिमाग लगाएगा, और भी वर्ड हो सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक वर्ड का 10 वर्ड को एक जैसे 10 वर्ड बनता है, जिसमें 15 वर्ड भी बनता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, तो इस तरह से एक थोड़ा सा अपना पढ़ाई को याद करेंगे। तो सिनोनिम्स का माने, उसका माने होता है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स माने एक का बहुत सारा वर्ड आपको जानना है, अगर इतना है तो इंग्लिश ऐसी जरूरत नहीं था स्पोकन का, ठीक है। सिनोनिम्स से अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंग्लिश सीख जाएंगे ऐसे। अब सिनोनिम्स कैसे पढ़ेंगे, तो सिनोनिम्स के लिए आपको टेलीग्राफ पेपर पढ़ना पड़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया जो इंग्लिश पेपर आता है, और हॉलीवुड की मूवी देखना होगा, इंग्लिश फिल्म, और भी अच्छी वाली इंग्लिश फिल्म है ना, जैसे मतलब एवेंजर है, टाइटैनिक्स है, इस तरह की बहुत सी मूवी जो बनी है फैमिली टाइप की, ऐसा देख सकते हैं। एक्शन मूवी वहाँ ठीक रहता है, तो ये सब देखेंगे, स्पाइडरमैन, ये सब इंग्लिश में, किसमें, नॉट हिंदी डबिंग नहीं, फिर तो फायदा नहीं हुआ ना, वो तो फिर आप आँख सीखने के लिए फिल्म देख रहे हैं मज़ा के लिए, और फिल्म को मज़ा के लिए नहीं देखना है, सीख नहीं तो फिल्म काट दीजिए तुरंत, अगर मैसेज ख़त्म है शुरू में तो फिल्म को हटा दीजिए, मत देखिए, मैसेज नहीं है तो 3 घंटा अपना बर्बाद नहीं करना फालतू का, ठीक है, काटिए उसको। उन्होंने जो अभी कैम्बर लिखा था, तो ये ऊपर का लेवल है, किसका है, जब रोड बनता है ना, तो रोड जब बनता है, यानी रोड बनने को इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं, तो रोड कंस्ट्रक्शन जब होगा तो बनेगा, तो बनने के लिए क्या है, रोड कोई भी चीज़ जो बनता है, कंस्ट्रक्शन का कोई भी निर्माण काम कहाँ से होता है, नीचे से, कहाँ से होता है, नीचे से, यानी पहले खोदाई जाएगा, ये बिल्डिंग बनेगा तो पहले कहाँ से बनेगा, पहले खुदाई होगी इसकी, नीचे खोदेंगे 10-20 फीट, फिर फुटिंग बनाएंगे, फिर कॉलम बनाएंगे, क्या बनेगा, नीचे से फुटिंग देंगे, फाउंडेशन देंगे, कॉलम बनाएंगे, ऊपर उठाएंगे, बीम देंगे, तब फिर ऊपर आएगा। इसी तरह जब रोड भी बनता है, तो जो हम ऊपर रोड देख रहे हैं, तो ऊपर ऊपर नहीं है ये नीचे कम से कम 10 फुट नीचे से ऊपर आया है, कितना से 10 फीट 5 फुट ये नीचे से ऊपर आया है, तो नीचे भी रोड है इसका, क्या है, नीचे भी रोड है, ऐसे ऐसे करके 6 रोड बनता है, कितना रोड बनता है, कितना रोड, 6 रोड नीचे बनता है ना, टोटल 6 रोड होता है ऊपर तक आने में, है ना, 6 रोड ऐसा बनेगा, कितना रोड, फिर से 6 रोड, तो उसको हम लोग लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोड लेयर्स, क्या बोलते हैं, वो रोड का लेयर्स है, तो क्यों ही, कहीं पर ही 4 लेयर्स बनता है, कहीं 6 लेयर, कहीं 5 लेयर, तो कॉमन ज़्यादा क्या है, रोड में 6 लेयर होता है, इंटरव्यू पूछता है कि कितने लेयर होते हैं रोड में, तो 6 लेयर में रोड बनता है, यानी आपको 6 बार सर्वे करना होगा, है ना, 6 सर्वे होगा इसका, है ना, एक बार सेंटर लेफ्ट, फिर लेना होगा सेंटर लेफ्ट, फिर लेना होगा सेंटर लेफ्ट, 6 बार सर्वे करना है, सर्वे की बार करेंगे, कितना बार, आज 6 बार काम करवाएंगे, 6 बार रिपोर्ट बनाना होगा, अलग अलग 6 लेयर का अलग अलग रिपोर्ट बनेगा, क्या बनेगा, है ना, पहले 1 लेयर, फिर 2, फिर 3, सबका बनता जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेयर्स बोलते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं रोड लेयर्स के बारे में, ये सब का बहुत लंबा थ्योरीज है, क्या है, एक किताब होती हाईवे मैनेजमेंट का, किसका, तो बहुत लंबा किताब है वो, 200-300 पेज का होगा, तो हम भेज देंगे आप लोगों को ग्रुप में, ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा उनको भी, ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पर लिख रहे हैं पॉइंट लिख रहे हैं खाली, जो यहाँ क्लास कर रहे लेक्चर, तो पॉइंट पूरा डिटेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको ग्रुप में नोट्स भेजेंगे, उसको स्टडी करिएगा, उसको नोट करिएगा कॉपी में, और जहाँ जहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा, जब हम खाली रहें पर्सनली, एक एक सवाल एक एक दिन पूछ लेंगे, ठीक है, ओके, और अच्छी किताब वो सब पढ़ेंगे तभी हम पूरा इतना एक्सपर्ट बनेंगे, कहना है कि हमको पढ़ना नहीं है, एक्सपर्ट बनना है, क्या बनना है, किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट बनना है, पूरा दाएं बाएं क्या घटना हो रही है मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, हम गए रोड में सर्वे करने, अगर हम आपसे पूछ ली कल सर्वे करने गए थे रोड, जी सर, अच्छा बताओ कि दाहिने तरफ कौन सा दुकान था,
जो सर्वे शुरू किए पहला, उसका दाहिने तरफ कौन सा दुकान था? सर नहीं मालूम। मतलब आपका सिक्स सेंस नहीं है? क्या नहीं है? आईक्यू पावर आपका नहीं है बॉडी में। और किसी भी इंडस्ट्री यही चीज़ देखता है कि आप अपने पढ़ाई से ज़्यादा आसपास की घट पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या पढ़ना होगा? आसपास की घटना को आपको मालूम होना चाहिए। पूछ लिया कितने साल से सर्वे कर रहे हैं? बोला सर 4 साल से। अच्छा, जेसीबी गाड़ी का काम क्या है? क्या पूछा आपसे? सर आई एम ए सर्वेयर। यही ना बोलेगा, सर्वे का सवाल नहीं कर रहा है, जेसीबी का सवाल कर रहा है हमसे, तो अटपटा सवाल लगा ना। तो अब अगर हम रोड बनवा रहे हैं तो रोड तो खुदवाना तो पड़ेगा, तो खोदेगा कौन? जेसीबी। खुदवाएगा कौन? आप। यू आपका वर्ड क्या फिर से एक बार? सर्वेयर। क्या वर्ड है? सर वी यर, यानी के सर्वियर, सुपर आप ही वो सुपरवाइजर है। कौन है? तो जब नौकरी में कंपनी में जाएंगे सर्वियर में, तो आपको दो नौकरी मिलेगा, पेमेंट एक ही रहेगा। समझ गए? ये नहीं कि दो पेमेंट मिलेगा। आप सुपरवाइजर भी आप हैं, फॉरमैन भी आप हैं, या सुपरवाइजर भी आप हैं, सर्वियर भी आप है। अगर आप सर्वियर में गए, सुपरवाइजर में गए तो सिर्फ सुपरवाइजर मिलेगा, समझ गए ना? लेकिन आप सर्वियर में गए तो आपको दो काम कंपनी देती है, एक काम देखना भी है, काम करवाना भी है, और सर्वे भी करना है। क्योंकि आपका काम 1 घंटे का है, तो जो हम सर्वे करते हैं ना 1.5 घंटा, कभी कभी एक एक महीना काम ही नहीं रहेगा। इसमें काम नहीं है, बहुत बहुत आराम की नौकरी है। पेट इतना फूल जाएगा अगर प्रैक्टिस जिम नहीं करेंगे तो, ठीक है ना? ये आपको लग रहा है कि धूप शुरू में जब जाएंगे ना तो 1-2 महीना बहुत खटना है, 1-2 महीना आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन बाद में सर काम ही नहीं। लड़का बोले सर 5 बजे जाते हैं ना, 9 बजे रूम पे आ जाते हैं, सर काम ही नहीं। तो बहुत कंपनी ऐसा है, लेकिन अब कंपनी लोग दूसरा दिमाग लगा लिया, 8 घंटे का पैसा दे रहा आपको। क्या बोला? एक काम करो, वहाँ जो रोड बन रहा है वो भी आपको देखना है, जाके आके रूम में 1 घंटा आराम कर लीजिए आप, 5 फिर चलिए 10 बजे तक। और उधर जेसीबी आज गाड़ी खुदाई करेगी, आपको करवाना पड़ेगा। सही बात, आपको सर्वेयर को कराना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा सर्वे आपका। तो जेसीबी गाड़ी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि वो खोदने के लिए। एक्सवेटर गाड़ी के बारे में तो ये सब कैसे मालूम चलेगा? तो चल जाएगा, हम बताते जाएंगे, आप वो करते जाइएगा, कुछ कुछ नोट्स हम भेजते भी जाएंगे, क्या उसको आपको पढ़ते भी जाना है, बहुत प्रैक्टिकल भी है तो बहुत थ्योरी भी पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये लेयर्स में, लेयर्स बहुत, इसका लेयर्स 2 तरह का है। एक तो मटेरियल्स का लेयर है, जो रोड में मटेरियल लगता है उसका एक लेयर बनता है। एक लेयर होता है, एक थ्योरेटिकली लेयर है कि उसको बोला जाता है सब बेस, बेस कोर्स, ग्रैनुलर कोर्स, और एक मटेरियल का होता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसे लिखते हैं, मटेरियल का लेयर लिखते हैं, मटेरियल्स लेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है जीएल। जीएल माने ग्राउंड लेवल, वो लेवल जहां से कोई चीज, यानी जमीन का लेवल, किसका? सरफेस लेवल। यहां से कोई भी चीज शुरू होगा खुदाई, क्या होगा? खुदाई शुरू होगा नीचे तक, तो एनजीएल भी बोल सकते हैं इसको, है ना? एनजीएल से नीचे तक हम लोग ने खोद दिया, खोदने को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सकवेशन। क्या बोलते हैं? एक्सकवेशन। एक्सकवेटर मशीन करेगा या जेसीबी, बैकहो लोडर, जेसीबी या बैकहो लोडर। क्या नाम है गाड़ी का? जो गाड़ी से खुदाई करते हैं उसका नाम होता है बैकहो लोडर या एक्सकवेटर। बैकहो लोडर या एक्सकवेटर। एक्सकवेटर बोलते हैं जो हम लोग चैन वाला होता है, और बैकहो लोडर जिसको आम इंसान जेसीबी बोलता है। क्या बोलता है? कभी इंटरव्यू फंस गया ना, आपने बोल दिया सर जेसीबी, हाँ जेसीबी से खुदाई, फंसा दिया, फिर फंसा दिया आपको इंटरव्यू में। जेसीबी कोई गाड़ी नहीं होता, इज अ ब्रांड। जेसीबी एक कंपनी है जो क्रेन बनाता है, बैकहो लोडर बनाता है, तेल भी बनाता है, हाइड्रोलिक तेल, ट्रक भी बनाता है, लोडर भी बनाता है, इज अ ब्रांड। अमेरिकन एक कंपनी है, जोसेफ साइरल बॉम्फर्ट। जेसीबी माने जोसेफ साइरल
बॉम्फर्ट पूरा नाम कंपनी का, तीन पार्टनर है, ये तीनों का नाम है ठीक है। ये कंपनी पूछ लिया ना हमसे, ये कॉमन है, आदमी बोलता भी है। कपड़ा क्या चीज से धोते हैं बर्मी को, कपड़ा क्या चीज से धोते हैं? सर्फ एक्सल। नो नो राइट, अगर रिन कंपनी का तो भी बोलेंगे सर्फ एक्सल राइट, या सर्फ बोले, क्या बोले? चलो सर्फ भी बोले तो भी गलत बोले, कोई भी पेस्ट करता कोलगेट की है। घर में शादी होता है ना तो बोला अरे बहन को शादी में गोदरेज देना है, क्या बोलता है, क्या बोलता है? अरे गोदरेज है, ऑर्डर करो गोदरेज का। और कंपनी वाला भी बहुत सियान है, जब को बनाता है ना वो स्टिकर भी गोदरेज का ही लगा के देता है। बोले गोदरेज का, गोदरेज का, गोदरेज का ही अलमीरा का कीमत 3 लाख 4 लाख से कम नहीं है, है ना? उतना ही बड़ा जो शादी में दे रहे हैं आप। वो पूरा फिंगरप्रिंट और उससे लॉक रहता है, वो खोल ही नहीं पाएगा, उसको उठा के ले जाना पड़ेगा। तो गोदरेज, लेकिन गोदरेज वो पहली कंपनी है जिन्होंने अलमीरा बनाया था। क्या बनाया था? हम शादी में अलमीरा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अलमारी बोलते हैं ना, अलमीरा होता है, तो अलमीरा दे रहे हैं। लेकिन कोई बोलता अलमीरा देना, ए गोदरेज देना बाबा, गोदरेज का ऑर्डर करो जाके, वहां बनता है 6 नंबर में बनता है गोदरेज। अरे साला इतना बड़ा कंपनी 6 नंबर में बनता, मेरा गाली बनाने बनता होगा। गोदरेज बनता है यहाँ पर ही, तो गोदरेज इंडियन ही कंपनी है। अब वो पहली कंपनी है जिन्होंने कपड़ा धोने वाला पाउडर निकाला था, जिसको डिटर्जेंट पाउडर, आप सही बोले डिटर्जेंट पाउडर, क्या बोलते हैं? और डिटर्जेंट केक, अब रिन, बहुत से लोग क्या बोलते बर्तन धोना रिन लेके आओ, रिन कोई भी कंपनी का ला रहा था, रिन रिन से बर्तन धोएंगे, रिन नहीं है वो, डिटर्जेंट केक है। क्या है उसको बोला था? डिटर्जेंट केक। ऐसी क्रेन में भी ऐसे हुआ है, क्रेन को भी बहुत, क्रेन पूछ ले व्हाट इज क्रेन, तो बोले क्रेन इज अ लिफ्टिंग मशीन, एक सामान उठाने वाली मशीन है। गूगल में सर्च करो, जैसे लिखेंगे क्रेन तो क्या आएगा? बोगला ना, बोगला, वो बोगला नहीं होता वाइट कलर का जो है ना, हम लोग बचपन में खेलते थे बोगला, बोगला तारा दे सोने का सितारा दे, याद है ना? तो वाइट हो जाता था खूब बचपना था। तो वो बोगला जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसका नाम है क्रेन। क्या नाम है? क्रेन उसका नाम है। क्रेन माने कोई लिफ्टिंग नहीं होता, एक डिक्शनरी में खोज के दिखा दीजिए पूरा, कहीं वर्ड नहीं है, इज अ लैटिन वर्ड। क्या? जस्ट लाइक सेफ्टी, और ऐसी क्रेन फंसा देगा क्रेन में। तो इंटरव्यू में क्या होता है ना, आपको सर्वे में फंसा देगा, क्या बता देगा? आपने लैंड सर्वे कोर्स कहाँ से किया था, ऐसे पूछा सर एम्स टेक्निकल, कॉमन बात, आपका इंस्टीट्यूट लैंड सर्वेयर का कोर्स कराता है, ऐसा कोई कोर्स नहीं है, क्या बोलेगा? आपको ये नहीं मालूम, आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ सर्वेइंग, क्या लिखा हुआ? कोर्स क्या होता है? सर्वेइंग, सर्वेइंग, अगर लैंड सर्वेइंग बोलता तो भी चलेगा, क्या बोलेगा? लैंड सर्वेइंग का कोर्स कहां से किया? ये बोला लैंड सर्वेयर बोला, सर्वेयर माने ऑपरेटर, सर्वे माने आदमी, आदमी वाला कोर्स कौन सा होता है यार, कोई मैचिंग नहीं कर रहा है। तो लैंड सर्वेइंग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? इसे वर्ड में फंसाएगा, इंटरव्यू में बोलेगा काम करो थोड़ा सा लैंड सर्वेयर लिख के दिखाओ, तो क्या बोलेगा? अच्छा लिख के दिखाओ, हिंदी आता है ना, हिंदी में लिखो, चलो अब लोग सर इंग्लिश नहीं, सिर्फ हिंदी में लिखो, उर्दू, उर्दू में लिखो, समझ गए? बोले सर उर्दू आता, समझ गए? तो ये सब याद रखेंगे, वर्ड सब बहुत सारा वर्ड है, जो सर्वे में जितनी वर्ड आ रहा है उसको याद कर लेंगे, जिसे इंजीनियर वर्ड आएगा, इंजीनियरिंग का स्पेलिंग पूछ सकता है इंटरव्यू में, खास करके पूछ ही लेता है। अच्छा इंजीनियर, सर्वे इंजीनियर किया हो ना जी, देखो लैंड, आप इसको सर्वे इंजीनियर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? जो आप कोर्स कर रहे हैं ना, आप इसको ऐसे भी इंटरव्यू बोल सकते हैं, सर हम सर्वे इंजीनियरिंग किए हैं हमसे, क्योंकि सर्वे में 3 साल का कोई इंजीनियरिंग ऐसे गवर्नमेंट की नज़र में नहीं है, क्या नहीं है? सिविल इंजीनियर है 3 साल का, सर्वे नहीं। तो अगर एक इंस्टीट्यूट 3 साल का करा भी दे तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो 3 साल का इंजीनियरिंग हम बोल सकते हैं इसमें, जैसे सेफ्टी इंजीनियर लोग बोलता है, पूरे दुनिया में सेफ्टी का 1 साल से ज़्यादा कोर्स नहीं है, क्या नहीं है? लेकिन हम कहते हैं सेफ्टी इंजीनियरिंग,
तो हम सर्वे इंजीनियरिंग बोल सकते हैं कि सर हम सर्वे इंजीनियरिंग किए, क्या किए, चलेगा, कंप्यूटर इंजीनियर किए, चलेगा। प्रथम वर्ड याद रखेंगे, इंजीनियर का वर्ड मीनिंग पूरा याद रहना चाहिए, है ना, उसके स्पेलिंग याद होना चाहिए, सिविल इंजीनियर का याद होना चाहिए, है ना, लेबलिंग का जो हम लिख रहे हैं ओल्ड लेबलिंग का, हाईवे का, चलो एक्सकवेशन माने खुदाई, तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन करेंगे, कहाँ तक खोदेंगे, जहाँ तक इंजीनियर ड्राइंग बनाया डेप, है ना, तो वहाँ तक खोजेंगे, यानी ओरिजिनल ग्राउंड लेवल तक, कहाँ तक, OGL, क्या बोलेंगे, OGL, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, ये सब वर्ड याद रखेंगे, सब सर्वे में सब लिखना है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल तक खोद देंगे, पहले खुदाई होगा, खोद देने के बाद भराई होगा, फिर भरेंगे, भर के लेवल करेंगे, भर के लेवल करने को बोला जाता है इम्बैंकमेंट, क्या बोला था, इम्बैंकमेंट करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पर ही जो इम्बैंकमेंट करते हैं यहीं पर ही मिट्टी का काम होगा रोड में, क्या होगा, हर जगह मिट्टी काम नहीं होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे है, यहीं का सबसे ज्यादा खर्चा यही है, कहाँ है, यही जगह पे खर्चा है, इम्बैंकमेंट, क्या करते हैं, इम्बैंकमेंट, याद रखेंगे ये वर्ड, ठीक है, क्योंकि सर्वे में जो वर्ड सब आएगा ये सब दूसरा जगह आप सुने नहीं होंगे लाइफ में, क्या नहीं सुने होंगे, सब नया नया वर्ड सुनेंगे, अभी अभी सब हम लोग बदल देंगे, आगे जाके अब आम जबान में लेंथ और डिस्टेंस बोलते हैं ना, बाद में सर्वे में सब बंद करना होगा बोलना आपको, आपको सर्वे की भाषा बात करना है, सर्वेइंग इज अ लैंग्वेज, है ना, जब थ्योरी, अभी हम लोग सर्वे का जो क्लास शुरू करते हैं वो लेबलिंग से शुरू करते हैं, या टोटलाइजेशन से, कहाँ से, यानी बहुबली पार्ट टू से शुरू करते हैं, वन बाद में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, जैसे बहुबली फिल्म था ना, पहले ही बन गया पार्ट वन, पार्ट मैंने पहले जो बना था वो दूसरा वाला बन गया था पहले ना, क्या जी, आधा कहानी से देखे थे, वैसे हम लोग का आधा कहानी से पढ़ाई होता है, अब शुरू कब करेंगे, आखिरी में, जब आखिरी आप यहाँ से जाने वाले रहेंगे तब फिर आपको बेसिक बताएंगे, सर्वे क्या होता है, कितने तरह होता है, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशन, क्या कानून, कौन सर्वे क्या क्या किसको बोलते हैं, जमीन सर्वे को क्या बोलते हैं, आसमान के सर्वे को क्या बोलते हैं, कैसे बना, किसने बनाया, कब बना, ये भी पढ़ेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में सवाल करेगा बेसिक से ना, ठीक है, चलो इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट के बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर मिट्टी भरेंगे, क्या करेंगे, फिर मिट्टी भरेंगे, उसको बोलेंगे सब बेस, क्या बोलेंगे, बेस, सऊदी में बोलता बेस कोर्स, सऊदी में क्या बोलते हैं इसको, बेस कोर्स करना, बिस कोर्स, सऊदी बिस कोर्स, नॉट बेस, बिस कोर्स, क्या बोलेगा, बिस कोर्स का काम करना हो, तो बिस कोर्स, हम लोगों को बिस कोर्स का, ठीक है ना, बिस कोर्स, तो बिस कोर्स, वही सब बेस, ठीक है, बिस कोर्स, यानी यहाँ मिट्टी भरेगा, यहाँ एक साइज होता है, जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, है ना, ये जो लेयर होगा ये सब फिक्स है, क्या है, ये फिक्स होगा ड्राइंग में, ऐसा नहीं कि अंदाजा कुछ ही बना देंगे, 20 से सेंटीमीटर 99% 20 सेंटीमीटर बनता है, कितना बनता है, 20 से बनता है ज़्यादातर, लेकिन 20 से सेंटीमीटर होता है एक्चुअल में, ठीक है, अब ये जब बन जाएगा यहाँ तक मिट्टी का काम खत्म, यही सबसे खतरनाक काम होता है या इसको यहाँ तक यहाँ लाने में, क्यों क्यों खतरनाक होता है, क्योंकि जब हम खोदते हैं तो जैसे खोदे शाम में पता चला कल सुबह है तो पानी आ गया, क्या गया नीचे, पानी आ गया, फिर से इसको लेयर बनाना पड़ेगा, फिर भरना पड़ेगा कुछ, फिर बालू डालना होगा, फिर सर्वे करना, फिर फेल हो जाएगा सर्वे, हर दो दिन में सर्वे फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं CBR वैल्यू फेल, कैलिफोर्निया रिड्यूस रेशियो फेल हो जाएगा वहाँ, तो फिर हम लोग को CBR का कानून किताब पढ़ना होगा, कंपनी में रहता है उस किताब में पढ़ना होगा, अगर ऐसा होता है तब फिर सर्वे में क्या रूल लगाएंगे, फिर इसको कितना सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे, समझ गए, अपनी मर्जी से सर्वे में कुछ काम नहीं करना, सब फिक्स है, रूल्स है, क्या है, कानून से, सऊदी की हम बात कर रहा हूँ,
इंडिया में टेंशन नहीं लेना आपको, सबसे आसान काम दुनिया में इंडिया में, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है, समझ गए। यहाँ के लिए नहीं सोचना है आपको, गल्फ का दिमाग लगाइए, क्या लगाइए, सादा गल्फ में, कोई गल्फ में रह रहा है उससे बात कीजिए, तुम वहाँ क्या कर रहे हो बताओ, दोस्त यारों का सर्वे में या इसी ग्रुप पे बहुत जन का चचा मामा है उसी से आप बात कर लो, क्या आप तो अभी करंट कर रहे, क्या क्या सीखना चाहिए बोलिए, बस उस पर रहिए, ठीक है ना। बहुत चलते फिरते एक्सचेंज एजेंडा भी रोड़ी मिलेगा यहाँ पे, है ना, कोई सर्वे कर रहा था नहीं, ये कर लो ये की ऑर्डर लेवल बहुत है बस, तो भी लगा ठीक है, इस पर फोकस रखो, है ना, ज्ञानी तो नहीं है कि हम जाएंगे कंपनी में उनको खाली टीएसए मिलेगा, क्या जी, सब सीखना है, क्या करना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो लेयर बनेगा हमारा कौन सा लेयर बनेगा, कौन सा लेयर बनेगा, अब यहाँ पर ही हम लोग ने मिट्टी डाल दिया, मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा कॉम्पेक्शन का काम होगा, कॉम्पेक्शन का माने होता है कि कॉम्पैक्ट करेंगे, बराबर करेंगे, मिट्टी को टाइट करेंगे, वहाँ बुलडोजर चलाएंगे, डोजर चलाएंगे, ग्रेडर चलाएंगे। अब यहाँ देखो, अभी फिर आपको क्या क्या चलवाना है, आपको वहाँ पहले पानी गिरवाना है, क्या गिरवाना है, पानी गिरवाना है पूरा ट्रक से, नीचे से बारिश पानी गिरता रहेगा, ट्रक चलता रहेगा। अब उसके बाद उसके पीछे हमको चलाना है ग्रेडर, पहले ग्रेडर, पहले ग्रेडर मशीन, नीचे ब्लेड होता है रोड को, पहले वो मिट्टी को काटेगा, फिर डोजर चलाना है, साइड बूम, क्या बोलते हैं उसको, साइड बूम भी बोलते हैं, साइड बूम चलाना है, डोजर ग्रेडर रोलर, तीन मशीन यहाँ चलता रहेगा, जब तक ये पूरा जमीन टाइट ना हो जाए, इतना टाइट कि साला जेसीबी भी मारेगा तो ब्लेड टूट जाए, आप सोचो मिट्टी इतना टाइट कर देते हैं हम लोग, नहीं तो फिर रोड तो खड़ जाएगा ना। मेन होता हमारा पंजा, पैर का पंजे ही काट देंगे तो फिर शरीर खड़ा नहीं होगा आपका, होगा, पैर है आपका, पंजा नहीं है आपका, फुटिंग मेन है ना, फुट, सिर्फ फुट खड़ा हो जाएंगे, और डंडा लेना होगा ऐसे, फिर ना जी डंडा से चलना होगा, वो भी नहीं चल पाएंगे, बड़ी मुश्किल होगा, जो पंजा इंपॉर्टेंट है, तो ये पंजा है हमारा, क्या ये रोड का पंजा है, फुटिंग है ये मेन। इसके बाद पत्थर डालेंगे, क्या डालेंगे, अब मोटा पत्थर, क्या डालेंगे, मोटा पत्थर, मोटा पत्थर को हम लोग बोलते हैं जी एस बी, क्या बोलते हैं, ग्रैनुलर सब बेस, ये सब का वीडियो भी दिखाएंगे आप लोगों को, सर्वे का वीडियो भी बहुत सारा दिखाएंगे, बहुत सी चीज़ें कंपनी में हम जो देखते हैं वो सब वीडियो में दिखा के समझा देंगे, ठीक है, सब है अपने पास। जीएसबी, जीएसबी का माने हम लोग बोल्डर डालेंगे, बोल्डर्स माने पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर देखेंगे आप लोगों ने, पत्थर इतना बड़ा बड़ा डाला हुआ है, स्टोन, स्टोन बोलते हैं सिविल इंजीनियर में उसको, क्या बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं, छोटे पत्थर को चिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे गिट्टी को चिप्स कहते हैं। जीएसबी, जीएसबी के बाद हम लोग का क्या होगा कि क्या होगा, डब्ल्यू यम यम, मेरे सर तो स्कूल में पढ़ाते थे यम यम यल यम यल, यस एस को यस, अच्छा पढ़ाइए, चलो डब्ल्यू एम एम, वेट, आपको खुद समझ में आ जाएगा आप वर्ड में, वेट मिक्स मेका डम, वेट मिक्स, वेट माने क्या होता है, गीला, मेकाडम, वेट मिक्स मेकाडम, कुछ मेकाडम होता है उसको भिगा के डालना पड़ेगा। अब मेकाडम क्या होता है, तो मेकाडम जस्ट लाइक चिप्स, क्या, छोटा छोटा गिट्टी, छोटा छोटा बारीक बिट गिट्टी, लगभग 10 mm 15 mm का, ठीक है, वो गिट्टी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हल्का बारीक चारकोल में, टार ऑयल में, किसमें, टार ऑयल बोलते हैं ना, टार ऑयल में मिलाकर हर पानी के साथ उसको रोड में डालेंगे, क्या करेंगे, रोड में डाल के बैठाएंगे पहले, तो उसको बोलते हैं वेट मिक्स मेकाडम, डब्ल्यू बी एम, सेम चीज है, वाटर बाउंड मेका डम, सेम बात, एक ही बात नहीं हो रहा है, वेट माने भीगा यानी पानी, यहाँ वाटर बाउंड लिख दिया, एक ही बात है, तो ऐसा हो सकता है दोनों भी बनाया जा सकता है, डब्ल्यू बी एम डब्ल्यू एम एम,
ये हो गया। अभी यहाँ तक रोड को मस्त टाइट करते रहेंगे 1-2 महीना 3 महीना। अभी हम लोग बोलते हैं ना यार 1 साल से हाईवे बन रहा, तो बन रहा है, तो सऊदी वाला हाईवे नहीं है कि पानी आया बह गया, समझ गया ना, तूफान भी आ जाएगा ना, बाढ़ भी आ जाएगा नदी में, तो भी रोड नहीं बहेगा यहाँ का, छोटा सा ऊपर का थोड़ा सा बहेगा ना, अंदर से हाईवे क्या है, और भी तरीके से आजकल बन रहा है, और भी खतरनाक। तो इसके बाद हम लोग जो बनाएंगे बीसी, तो वही बना रहे हैं, बिटुमिनस कंक्रीट। अब पारी आ गया कंक्रीट का। अब कंक्रीट, कंक्रीट माने सीमेंट गिट्टी बालू, सीमेंट गिट्टी बालू। रड भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, रड भी ला सकते हैं, लेकिन कंक्रीट माने रड नहीं होता, कंक्रीट माने स्टील नहीं होता, रड इज नॉट अ रड। कभी भी सिविल में रड मत बोलिए, रड वो बोलता है जिसको नहीं मालूम है सिविल, सिविल में स्टील बोलते हैं, क्या होते हैं, स्टील बार या TMT बार, एरी बार। तो बिटुमिन्स एंड कंक्रीट, बिटुमिन्स का माने होता है अलकतरा, अलकतरा सबसे, ये भी एक पेट्रोल के तेल है, क्या है, यानी सबसे हाई पावर का तेल, जो बहुत लेट में आग लगता है, इसमें आग नहीं लगता है, गर्म होता रहेगा, खूब गर्म हो जाएगा आग, हो सकता है 1 साल बाद आग पकड़े तो पकड़े, नहीं पकड़ता। और सबसे सॉरी हाई माने लो पावर, मतलब बोला जा सकता है, हाई पावर तो पेट्रोल है, क्या है, जेट ऑयल, जेट ऑयल माने जो प्लेन में ऑयल होता है, कौन सा, प्लेन जिस ऑयल से चलता है वो सबसे हाई पावर होता है, हाई पावर माने उसमें अगर हल्का से भी कोई चीज टच कर जाए तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे प्लेन जब उड़ता है उसमें अगर एक परिंदा इस आग के टकरा जाता है, उतने हाई पर जितने पे वो चल रहा है, नीचे पे भी दिक्कत हो जाता है, बहुत बार प्लेन टकराने से प्लेन हादसा हुआ है, परिंदा टकराने से, क्या, इसीलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहीं बनता है जहाँ परिंदा ना हो। जैसे पटना क्यों नहीं बन सका आज तक, रीजन बिंग यही था कि वहाँ परिंदा बहुत है, क्या है, आए दिन हादसा हुआ, बहुत बार चला है पेपर हम लोग भी पढ़े, ठीक है ना, तो क्योंकि वो जो ऑयल है ना वो सबसे हाई डिग्री पे बनता है, क्या बनता है, वो कभी सेफ्टी उफ्टी पड़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ाते हैं ऑयल पेट्रोलियम में कि कितने टेम्परेचर पर पेट्रोल बनता है, ठीक है। तो यहाँ बीसी विटामिन्स कॉन्क्रीट, इसके बाद क्या लेयर बनेगा, डीबीएम, क्या बनेगा, डीबीएम डेंस बिटुमिनस कंक्रीट मेकाडम, छोटे छोटे गिट्टी के साथ, क्या, छोटे छोटे गिट्टी, मारिक महीन गिट्टी और उसमें अलकतरा, चारकोल, झारखंड में हम लोग अलकतरा बोलते हैं, बिहार में भी अलकतरा ही बोला जाता है भाई, तो पिच बनेगा, क्या बनेगा, ये बन रहा पिच, तो डीबी इज अ पिच, क्या हो गया, पिच, ठीक है। यहीं पर ही इससे नीचे क्लियर बना सकते थे हम लोग, बीसी में एक और चीज बनता है एचडी बीसी, सब पुराना लेयर है एचडी बीसी, आजकल बहुत कम ये देखने मिल रहा है। तो अभी यहां पर ही क्या ना, जब यहां हम लोग आते थे यहाँ बहुत सा चुचला होता है रोड, तो चुचला का माने छोटा गिटी, अच्छा बड़ी गिटा, वैसे ये कुछ नया टेक्नोलॉजी आया उसको यहाँ अब यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, क्लियर बढ़ सकता है 6-7-8 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। एम्बैकमेंट को क्यों नहीं लिए, क्योंकि एम्बैकमेंट में ज़मीन बराबर किया जाता है, क्या किया जाता है, लेयर में नाम लेते हैं लेकिन वहाँ बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर ही जो जनरली सभी का एक ही जैसा कहानी है, 20 से 50 सेंटीमीटर, समझ गए, 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से लगभग 30 सेंटीमीटर, लगभग 15 सेंटीमीटर है ना, 15 से 20 सेंटीमीटर डीबीएम, ये सब लेयर फिक्स है, तो नहीं बनाना है आपको,
यानी ऑटो लेवल से जब हम सर्वे करेंगे तो इतना ही आना चाहिए आपका स्टाफ में रीडिंग, कितना आना चाहिए 20 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, 0.0 20 सेंटीमीटर ना नहीं 0.020 है ना जी, इतनी ही रीडिंग आना चाहिए। हाँ 0.200, ठीक है। सेमी डेंस HDPCVC का फुल फॉर्म सेमी डेंस बिटुमिनस एंड कॉन्क्रीट। तो यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाएगा, DBM फिर बनेगा नहीं, या तो DBM बनाएंगे या HDPCVC करेंगे, ठीक है। यहीं तो हो गया सब खत्म HDPCVC में, लेकिन आजकल DBM क्या होता है और भी बहुत नाम है, सब थ्योरी भेज देंगे, पढ़िएगा बाद में। रोड लेयर का है थ्योरी इसका भी, ठीक है। तो आज हम लोग ने इतना कर लिया है, अब नेक्स्ट क्लास फिर अभी इसका 2-3 दिन थ्योरी पढ़ेंगे पहले, आज जो पुराना जो प्रैक्टिकल है उसको जब तक रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर रोड सर्वे में सर्वे कैसे करें वही बताएंगे, पहले सब मालूम रहेगा तब ना, सब लिखना पड़ेगा रिपोर्ट में, क्या करना होगा। अरे बस खाली वसीले ऐसे ले रहे, क्या हो रहा पता नहीं, समझ गए।